Sharma, welcome back to my channel. So today's video is a day in my life kind of video. So I just finished off with all my morning responsibilities, which are like sending my husband to office and dropping off my daughter to school. And after all those things, I came back and I made this breakfast for me, which is steaming hot idli and chutney. I like this kind of chutney, like kabhi kabhi main aise banake khati hu. This is the chutney which my mother used to make back in my school days. She always used to make like this and put in tiffin and gave it. Aur uske baad wo jo idli hota hai wo pura soggy soggy jaisa ho jata hai. So it tasted really good. So sometimes whenever I feel like having it, main bana deti hu. And then I followed it up with some garam garam chai. ये जो मॉर्निंग का थोड़ा सा टाइम मिलता है जिसमें आई कैन लाइक सिप माई चाय पीसफुली, आई जस्ट लव दैट टाइम. एंड देन उसके बाद मुझे थोड़े से काम करने थे, सो आई थॉट लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड बिफोर माई डॉटर कम्स. सो आई एम जस्ट चेंजिंग वाटर फ्रॉम ऑल द प्लांट्स जो कि मैंने प्रोपोगेशन के लिए रखे हुए हैं. ये सब करते करते भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है. Like पहले तो सारे जहाँ जहाँ रखे हैं उन सबको लेके इकट्ठे करती हूँ. एंड देन आई चेंज द वाटर एंड ऑल्सो आई चेक ऑन देम कि उनके रूट्स वगैरह ठीक तरह से ग्रो हो रहे हैं या नहीं. एंड दिस वॉज द स्पाइडर प्लांट जो कि मेरे पास है, उससे मैंने ये कटिंग लेके प्रोपगेट किया. एंड लुक एट दोज रूट्स, बहुत अच्छे से बढ़ रहा है. सो आई चेक अप ऑन ऑल द प्लांट्स जो भी मैंने रखे हुए हैं. And they all are growing really well. Here also you guys can see there is a little root जो कि अभी grow हो रहा है, बहुत ही छोटा सा है. More than growing them in soils, I like to do this way. I just love propagating plants. मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें like पानी में रख के and then they start growing. I just love it. So these are all the other money plants or creeper plants. जो कि काफ़ी लंबे ग्रो हो चुके हैं, यू गाइस कैन सी. तो बस मैं यहीं से उनकी कटिंग लेती जाती हूँ एंड घर पे जहाँ पे भी है पानी में रख के बस थोड़ा सा वहाँ यहाँ रख देती थी. इट ऑल्सो लाइक लाइट अप द होल प्लेस विद दैट प्लांट. एंड नाउ लुक एट द स्पाइडर प्लांट and these little baby spider plants. Oh my god, like काफ़ी अच्छे bunch में लगे हुए हैं. आई एम लाइक वेरी वेरी ईगर. बहुत टाइम से सोच रही थी मैं इन्हें कट करके जल्दी से पानी में रखे या फिर इसे डायरेक्ट भी हम लोग लगा सकते हैं सॉइल में, बट आई लव टू लाइक फर्स्ट पुट देम इन वाटर. जैसे ही वो रूट्स स्टार्ट हो जाता है ग्रो करना, देन आई विल गो एंड प्लांट देम. सो यस, ये जो पार्ट है, जो नोड है, वहाँ पे उसे अच्छे से देख के उसे कट करना होता है, तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाता है. सो यस, दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट थिंग टू डू. इसके सारे कटिंग्स ले लूँगी मैं एंड देन आई पुट ऑल ऑफ देम इन वाटर. एंड कुछ टाइम बाद जब रूट फॉर्म हो जाएंगे, एंड स्पाइडर प्लांट में बहुत ही जल्दी लाइक उसके रूट स्टार्ट हो जाते हैं ग्रो होना, लाइक विद इन 2 to 3 days रूट स्टार्ट हो जाता है ग्रो करना. एंड आई टॉक अबाउट दिस होल स्पाइडर प्लांट, कुछ टाइम पहले ये इंडोर में रखती थी मैं एंड बिकॉज ऑफ सम रीज़न उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया था और वॉट एल्स आई डोंट नो, वो काफ़ी बर्न हो गया था. एंड देन आई थॉट कि इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख देते हैं कुछ दिनों के लिए, मे बी इट विल रिकवर. एंड कुछ फर्टिलाइजर उसमें मैंने डाला था एंड देन उसके बाद कुछ महीनों में वो इतना अच्छे से ग्रो हो गया. एंड हेंस आप देख सकते हो कि कितने सारे लाइक मुझे बेबी स्पाइडर प्लांट्स भी मिले, जिसके कि आई गॉट सो मेनी कटिंग्स. एंड सो जस्ट मैंने सब जगह इसे पानी में रख दिया है एंड आई जस्ट गो हैड एंड कीप दम ऑन द प्लेसेस, ताकि जहाँ रखते हैं वहाँ पर अच्छा भी लगता है. एंड आफ्टर फ्यू डेज जब वो बहुत अच्छे से रूट्स ग्रो हो जाएंगे, देन आई विल पॉट देम. एंड बस मैं सब में से पानी चेंज करके दोबारा से फ्रेश वाटर रिफिल करके आई जस्ट प्लेस ऑल द प्लांट्स इन साइड.
इवनिंग टाइम पे हम ये जगह गए थे, ये बिल्कुल हमारे घर के पास में पड़ता है एंड द प्लेस नेम इज कॉल्ड करपट्टी कॉफी विच इज़ अ वेरी फेमस आउटलेट इन चेन्नई, आई थिंक इन तमिलनाडु. जी हाँ, ये हर जगह पे आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में. एंड वेन एवर वी फील टू हैव सम स्नैक्स एंड कॉफी आउटसाइड वी ऑलवेज गो टू दिस शॉप, क्योंकि ये बहुत ही पास है, ईजिली लाइक वॉकेबल डिस्टेंस पे है. दे सर्व सम अमेजिंग कॉफी एंड सम हॉट स्नैक्स, ऑल दोज प्याज का वड़ा एंड दैट इफ यू गाइज नो दैट बनाना फ्लावर उसके जो वड़े होते हैं वो एंड गरम गरम पनियारम. पनियारम इज नथिंग बट अप्पे, जिसे कि तमिल में पनियारम बोला जाता है. यू गाइज कैन सी देर, ये एक अप्पे पैन है जो कि बहुत बड़ा है जिसपे कि गरम गरम अप्पे बन रहे हैं. आई पर्सनली लव यहाँ का कॉफी, आई जस्ट लव इट सो मच कि वंस इन अ वीक वी श्योरली विजिट दिस प्लेस. And this is the tea or coffee station, we can say. And look at this, ये है coffee mix, coffee powder, and they use jaggery to make coffee and tea. That is the famous thing about this. And they have some coffee decoction. आप देख सकते हो कैसे वो बना रहे हैं. आई गेस ये प्लेस फेमस ही इसीलिए है कि दे यूज ब्राउन शुगर एंड स्वीट्स में वो लोग ज़्यादातर गुड़ यूज़ करते हैं. काफ़ी हेल्दी वर्जन होता है यहाँ पे स्वीट्स का. So I think this is famous for that thing. And here comes my coffee. Look at all that froth on the top. And to add something to it, evening mein barish bhi hona shuru ho gaya tha. And then we ordered some paniyaram. And yahan pe self-service hi hota hai. Ye jo do chutney the, jisme se I like this one. So we got some paniyaram and that is some sweet. Jise ki wo log, I don't know exactly kya bolte hai. So we ordered that and we had this. So we had a good evening time over there. And वहाँ पे एक प्यारा सा छोटू सा डॉगी आ गया था and my daughter was all busy behind that doggy. बस उसी के साथ थी जब तक वो डॉगी चला नहीं गया था. And now coming back to this place, ये एक workshop है जो मैंने कुछ महीनों पहले attend किया था चेन्नई में. तब मैं ये एडिट करके नहीं डाल पाई थी, सो आई थॉट कि मैं अभी कर दूँ सो दैट यू गाइज कैन ऑल्सो लाइक हैव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस. ये लोग हर सिटी में अपना वर्कशॉप करते हैं एंड दे हैव सो मैनी वर्जन्स, लाइक दे हैव पिचवाई पेंटिंग, मुरली पेंटिंग एंड गोल्ड फॉइल पेंटिंग. दे हैव लाइक सो मैनी ऑप्शंस. मुझे इंस्टाग्राम से इनके बारे में पता चला था एंड जैसे ही मुझे पता चला दे आर कमिंग टू चेन्नई, आई जस्ट एनरोल्ड एंड आई रियली हैड गुड टाइम देयर. ये एक ही दिन के लिए था. इट वॉज सो कामिंग, इट वॉज सो सूदिंग, लाइक ऑल लाइक माइंडेड पीपल टुगेदर लाइक डूइंग थिंग्स विच दे रियली लाइक. जिन्हें भी पेंटिंग पसंद है दोज पीपल श्योरली श्योरली लाइक दिस थिंग. इफ यू गाइस वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्लीज कमेंट डाउन बिलो, ताकि मैं अपने अगले वीडियो में इसके बारे में शेयर करूँगी. सो वी हैड लवली टाइम देयर एंड दिस वर लाइक वहाँ पे कोई भी आ सकता था, ऑल टाइप लाइक मैन वुमेन सभी लोग अलाउड थे. वी ऑल हैड लाइक ग्रेट टाइम पेंटिंग देयर. मैंने कुछ 2500 पे किया था एक दिन के लिए एंड दे विल टीच अस हाउ टू डू सम स्मॉल ट्रिक्स एंड टिप्स दे विल गिव एंड दे दिस वॉज ऑल फॉलोड अप बाय सम स्नैक्स एंड कॉफी. सो या इन टोटल इट वॉज लाइक रियली गुड एक्सपीरियंस. And yes, this is it in today's video. If you guys want more information about this, please comment down below and ask me. And I will see you guys in next video. Till then, bye-bye.